हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इट सेज अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पे एक लाइट रे को इंसिडेंट किया है, ठीक है ना। वो कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज इज 80 डिग्री। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो, सबसे पहले एक प्लेन मिरर बनाया हमने, ठीक है। उन्होंने बोला है एक लाइट रे आई कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब ये थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। ये थीटा जो एंगल है इंसिडेंट रे का वो मिरर से है, मतलब ये एंगल थीटा है बेटा, ठीक है। आपने फिर इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, अच्छा अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो कैसे चली गई। तो इन्होंने बोला है भाई ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है। मतलब देखो, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, तो एंगल आई प्लस आर आपको 80 डिग्री दे रखा है। अब गाइस, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई आर के इक्वल होता है ना, ये बात तो हमें पता है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 I इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, यानी आई और आर दोनों कितने आ गए, 40 40 डिग्री आ गए ना। सिंपल सी बात है, दोनों 40 डिग्री आ गए, तो ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है जी। अच्छा, तो आर भी 40 डिग्री है, आर भी 40 डिग्री आ गया। अब हमें थीटा चाहिए, तो गाइज नॉर्मल नॉर्मल 90 डिग्री पे होती है ना, इसका मतलब थीटा प्लस 40 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। नॉर्मल जैसे देख रहे हैं, तो गाइज यहाँ से थीटा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, 50 डिग्री, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।